So class, again I will discuss class 11th question number 6 depreciation. ठीक है? So question number 6 है आपका depreciation का. ठीक? So what is question number 6? A company purchased on 1st July 2015 machinery costing 30,000. एक मशीनरी खरीदी गई है 1st July 2015 में और उसकी कॉस्ट है 30,000. It purchased further machinery on 1st January. यानी एक मशीनरी है जो खरीदी गई उसी साल एक नई मशीनरी खरीदी गई है 2016 में, उसकी कॉस्ट है 20,000 एंड 1st October 2016. ठीक है, सो कॉस्टिंग 10,000. ऑन 1st April 2007 द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1st July 2015. ठीक है, बीकॉम ऑब्सोलेट वॉज सो. ठीक है, यानी जो पहली मशीन है जो फर्स्ट जुलाई को जो मशीन खरीदी गई थी पहली मशीन, उसको सोल्ड ऑफ कर दिया गया. यहाँ पे 3 मशीन परचेज है. ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में 3 मशीन परचेज किया गया है, पहली जो मशीनरी है वो कब परचेज की गई है? 1st July 2016. ठीक है, तो जब मशीनरी परचेज की गई तो उसकी कॉस्ट क्या थी? 2015 में परचेज की गई है. ठीक, तो उसकी कॉस्ट थी 2 lakh. टू बैक अकाउंट इन ब्रैकेट फर्स्ट, कितनी मशीनरी परचेज की गई? टोटल जो मशीनरी परचेज की गई है वो 30,000 rupees. ठीक है, 30,000. नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं कि अ मशीनरी इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1st January 2016 कॉस्टिंग 20,000. तो जुलाई 15 है तो ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1st April 2016, पहला साल. दूसरा साल स्टार्ट हुआ होगा 1st April 2016 to 31st March 2007. ठीक है, तो ये बता दें आपको कि नेक्स्ट जो मशीनरी है वो शायद इसी साल परचेज की जा रही है. फॉर इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1st January 2016, तो इसी में आएगा जनवरी में, इसी साल पहले साल. तो यहाँ पे 1st January 2016 और टू क्या हो जाएगा? टू बैक अकाउंट इन सेकेंड मशीन ब्रैकेट. ठीक है, कॉस्टिंग क्या है उसकी? कॉस्टिंग है 20,000. ठीक है, कॉस्टिंग रुपीज 20,000. नेक्स्ट है हमारे पास, इसके बाद कह रहा है कि ऑन 1st October 2016. ठीक है, तो ये तो मार्च ही तक है, तो नेक्स्ट मशीन जो परचेज की गई वो थर्ड मशीन जो परचेज की गई वो नेक्स्ट ईयर में परचेज की गई. ठीक है, तो कब परचेज की गई? 1st October 2016. पहली चीज तो यहाँ डेप्रिसिएशन लगा है, 31st March 2016 है, तो बाई डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीन ऑन सेकेंड मशीन. ठीक है, अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. ठीक, पहली मशीन की कब खरीदी गई थी? जुलाई. ठीक है, और सेकेंड जनवरी. तो जनवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फॉर 9 मंथ डेप्रिसिएशन. हम यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट मशीन डेप्रिसिएशन, सेकेंड मशीन, यहाँ 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाएगा. ठीक है, और नेक्स्ट वाली मशीन में 3 मंथ का, क्योंकि जिस दिन मशीन खरीदी जाती है उसी दिन से हम डेप्रिसिएशन काउंट करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो कितना परसेंट डेप्रिसिएशन दे रहा है ये? 10%. ठीक है, 3 ईयर्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 31st मार्च को अकाउंट क्लोज होता है. तो 10% है तो 30,000 है. ठीक है, 30,000 का 10% कितना होगा? 3,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12. तो पहला जो डेप्रिसिएशन काउंट होगा वो ये होगा. ठीक है, कैसे काउंट करेंगे? 30,000 इंटू 10% इंटू 9 बाई 12. ठीक है, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 3 मंथ्स का, जनवरी टू मार्च, इंटू 10% इंटू 3 बाई 12, यानी कितना हो जाएगा? 500. ठीक है, तो कैसे काउंट होगा ये? 20,000 इंटू 10% इंटू जनवरी टू मार्च इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 500. ठीक है, 22,500 टोटल हो गया. 27,500. अब हम इसी साल 31st मार्च का पहले बैलेंसिंग करेंगे, बाय बैलेंस सी. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड अलग अलग हम सी डी प्रिपेयर करेंगे इसकी. नेक्स्ट 30,000 पहले वाले को पहले से माइनस करो, सेकंड वाले को सेकंड से. तो 30,000 माइनस 2250 टोटल कितना हुआ? 27,750.
फिर उसके बाद क्या है 20,000 इनटू माइनस 5 तो कितना हो गया 19,500। ठीक है टोटल क्या मिलेगा आपका आ जाएगा 27,750 टोटल आ जाएगा 47,250। पहला साल क्लोज ठीक है सेकंड ईयर फर्स्ट 2060 टू बैलेंस BD on first machine, BD on second. अलग अलग दिखाते हैं जो बहुत इजी हो जाता है डेप्रिसिएशन से ठीक है सो 47,250। इस साल एक मशीनरी और परचेज की गई और उसकी कॉस्ट कितनी थी जब कह रहा है 1 अक्टूबर 2016 तो इसी साल आएगा 16 ठीक है तो 1 अक्टूबर 2016 में 10,000 की मशीनरी परचेज की गई ठीक है तो 1 अक्टूबर 2016 तो क्या हो जाएगा टू बाय इन ब्रैकेट थर्ड मशीन ठीक है एक दो और तीन इसमें की कॉस्टिंग है उसकी 10,000 ठीक है 10,000 कॉस्टिंग ठीक अब हम डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं 31 मार्च 2007 मशीनरी को सोल्ड आउट कब किया जा रहा है ये देखना है 1 अप्रैल 2017 एक मशीनरी को यानी अगले साल सोल्ड किया क्योंकि अभी तो मार्च चल रहा है तो बाय डेप्रिसिएशन ठीक है डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीन डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड मशीन डेप्रिसिएशन ऑन थर्ड फिर यहाँ पर हम लिखते हैं 31 मार्च बैलेंस शीट यहाँ पर आ गए हैं बाय बैलेंस सी ठीक है सीडी ऑन फर्स्ट मशीन सीडी ऑन सेकेंड मशीन सीडी ऑन थर्ड ठीक है यहाँ तक आपको काम करना चलिए तो पहली मशीनरी की कॉस्ट क्या है 30,000 तो आपका सीधा सीधा एक ओरिजिनल कॉस्ट कहता है जो ओरिजिनल वैल्यू क्या है 20,000 का 10% 2,000 ठीक है अगली मशीन जो खरीदी गई थी 1 अक्टूबर नवंबर से मतलब जनवरी फरवरी मार्च तो यहाँ से लेकर मार्च तक का डेप्रिसिएशन 10,000 यानी 1,000 इंटू हाफ हो जाएगा उसका 5 ठीक है तो 55 का आपका यहाँ पे टोटल कैसे 10,000 का 10% निकालिएगा उसके बाद 6/12 कर दिए आधा कर दीजिएगा तो 5% चलिए अब माइनस कर पहले हमारे तो पहले से सेकंड थर्ड से थर्ड तो आते हैं बात करते थे 22,750 - 3,000 तो 24,750 नेक्स्ट आते हैं 19,500 - 2,000 आपका हो गया 17,500 नेक्स्ट आते हैं बात करते हैं 10,000 - 5,000 - 9,500 ठीक है 24,750 + 17,500 + 47,000 तो 11,750 ये आपका सेकेंड ईयर थ्री ईयर्स का डाटा हो गया किसने लिए यानी हम फर्स्ट अप्रैल 2017 में आए क्या हो जाएगा टू बैलेंस बी फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन थर्ड मशीन ठीक है तो 24,750 17,500 95 ठीक है तो टोटल हो जाएगा 51,750 चलो नेक्स्ट अब हम पहले तो उस मशीनरी को हटाते हैं जिसको सोल्ड किया ठीक है किस मशीनरी को सोल्ड किया कह रहा है On 1st April 2017, the machinery installed on 1st July 2015 became obsolete and was sold 3,000. जो पहली मशीन है जो खरीदी गई थी 1st July 2015 को फर्स्ट मशीन उसी को सोल्ड ऑफ किया तो उसको हम हटा देते हैं पहले कब किया जा रहा है सोल्ड ऑफ ये भी देख लें तो सोल्ड ऑफ किया जा रहा है 1st अप्रैल यहाँ पे पहली मशीन को हम हटा दें ठीक है बाय क्या करें बाय तो लॉस देखते हैं कितने का आएगा इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे क्यों क्योंकि 1 अप्रैल को बैलेंस ट्रांसफर हुआ और 1 अप्रैल को ही सोल्ड करी यानी मशीनरी एक भी दिन नहीं चली अगर चली होती 2 महीना 3 महीने तो डेप्रिसिएशन काउंट करके दोनों को प्लस करने के बाद हम टोटल सेलिंग वैल्यू निकालते फिर लॉस ठीक है तो 24,750 - 3,000 तो आपका जो लॉस आएगा
21,750 रुपीस का सीधा सीधा लॉस। यानी हम ये कह सकते हैं 24,750 वाली मशीन को कितने में सोल्ड ऑफ किया गया, 3,000। ठीक है, तो जाहिर सी बात है लॉस हो गया। फर्स्ट को रखिएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल इन ब्रैकेट लॉस, कितनी का लॉस हुआ 21,750। अब आते हैं बात करते हैं सेकेंड और थर्ड मशीन। तो सेकेंड थर्ड मशीन चलिए हमारे पास आगे भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। आप 18 में डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन, जो चला गया उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं काउंट होगा, जो रहेगा उसी पर डेप्रिसिएशन काउंट होगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऑफ पहली मशीन तो चलिए थर्ड मशीन सेकेंड और थर्ड पर काउंट होगा। वही 20,000 × 10% 2,000 और 10,000 × 10% 1,000 टोटल कितना हुआ 3,000। जो बैलेंसिंग होगी वो 31st मार्च में बैलेंसिंग कैसे करोगे, बाय बैलेंस सीडी ऑन सेकेंड मशीन सीडी ऑन थर्ड मशीन। ठीक है, तो ये मशीन भी तो चलिए इसको तो भूल जाओ। 17,500 माइनस 2,000 तो आपका हो गया 15,500 15,500। नेक्स्ट है हमारा 95। ठीक है, माइनस कितना 1,000 तो आपका हो जाएगा 8,500। ठीक है, दोनों को प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों को प्लस कैसे करेंगे हम, 15,500 प्लस 8,500। ठीक है, तो 24,000। ठीक है, सो यहीं तक था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, लास्ट में जो आपकी ये फिगर निकली है आज की डेट में हमारे पास जो सेकंड और थर्ड वैल्यू की मशीन है वो कितनी है हमारे पास 17,500 95,000। डेप्रिसिएशन जो काउंट होगा वो सेकंड और थर्ड मशीन पे काउंट होगा, जो कि जो रह गया उसी पर डेप्रिसिएशन काउंट होता है। तो 20,000 × 10% 2,000 और 10,000 × 1% 1,000 टोटल डेप्रिसिएशन 3,000। जो रह गया उसकी बैलेंसिंग कर दीजिए, जो चला गया उसको छोड़ दो। तो बैलेंसिंग कैसे होगी, 17,500 − 2,000 95,000 95,000 − 1,000 तो टोटल आ जाएगा आपका 15,500 माइनस करने के बाद 85,000 टोटल आ जाएगा 24,000। तो ये था आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो यू हैव टू राइट फास्ट क्वेश्चन नंबर 6।